भर्तृध्वज यात्रा सेवा समिति की ओर से राजऋषि अभय समाज स्थित भर्तृधाम मंदिर में पांचवी ध्वज पद यात्रा निकाली गई। यात्रा को समाज सेवी श्री कृष्ण गुप्ता द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस दौरान ढोल नगाड़ों और डीजे की धुन पर सैकड़ों पदयात्री नाचते गाते हुए रवाना हुए। यह यात्रा शहर के प्रमुख बाजारों से होती हुई अल सुबह भर्तृधाम पहुंचेगी। राजऋषि अभय समाज के सचिव महेश चंद्र शर्मा ने बताया कि भर्तृ बाबा की अटूट आस्था से प्रेरित होकर समिति द्वारा पिछले 5 वर्षों से यह ध्वज पदयात्रा निकाली जा रही है। पदयात्रा में यात्रियों के लिए जगह जगह जलपान की व्यवस्था की जाती है। वहीं अकबरपुर हनुमान मंदिर पर यात्रियों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। भर्तृहरि धाम मंदिर से एक भर्तृधाम के लिए पदयात्रा आरंभ की गई थी, वो इस वर्ष 5वें साल में शुरू होगी और सारे शहर का भ्रमण करते हुए पैदल पैदल यात्रा भर्तृधाम पहुँचेगी। बीच में जो है इसका विश्राम अकबरपुर में होगा। पदयात्रियों के लिए इस भीषण गर्मी में स्थान स्थान पर ठंडे जल की व्यवस्था है, ठंडे पेय की व्यवस्था है, चाय की व्यवस्था है, नाश्ते की व्यवस्था है। अकबरपुर में हनुमान जी महाराज के यहाँ इस यात्रा का रात शाम का विश्राम होगा और वहाँ भोजन आदि करके 1 घंटे रेस्ट करके पदयात्री फिर पुनः भर्तृधाम की यात्रा शुरू करेंगे। और ये यात्रा रात भर चल के लगभग सुबह 4 बजे सभी पदयात्री भर्तृ बाबा के यहाँ पहुँच जाएँगे, वहाँ जाकर विश्राम करेंगे।